हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। यार, आज का जो टॉपिक है आप लोगों से बहुत शेयर करना चाहता हूँ। यार, अगर पैसा कमाना है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और सिंगापुर में पैसा बहुत सारा है यार, पैसों की कोई कमी नहीं है। सिंगापुर में पैसा क्यों सारा है यार, ये भी आज पूरा आपको बताने वाला हूँ। सिंगापुर एक रिच कंट्री में आता है और डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है। सिंगापुर का जो एरिया भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ की जो डॉलर वैल्यू है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है और डे बाय डे बढ़ती जाती है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो 10 साल पहले एक डॉलर 31 रुपये का होया करता था, लेकिन आज 56 रुपये का, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यार, यहाँ का काम करने का फ़ायदा बहुत है। सैलरी मैटर की बात करूँ तो यार, यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लेकिन भाई आपको काम बहुत करना पड़ता है। आपने हमेशा मुझे इस टी शर्ट में और ब्लैक टी शर्ट में देखा होगा, क्योंकि यार यहाँ पर अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो भाई उसका आपको पे मिलता है। पे का मतलब आपको फल मिलता है, कहने का मतलब आप जितनी मेहनत करोगे उसका पैसा आपको मिलेगा। और यार, इतनी सेफ कंट्री, यार मुझे तो कहीं दुनिया में ऐसी सेफ कंट्री नज़र नहीं आई। आप कुछ भी कर रहे हो यार, यहाँ कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है, और अगर आपने मेहनत करा तो भाई आपको पैसा ऐसा मिलता है यार, आप खुश हो जाते हो यार पैसा। और जैसे कि जितना कि यार मैंने देखा है सिंगापुर में मेहनत, लोग कितना काम करते हैं, यहाँ पर 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये आराम से कमा लेते हैं। तो यार, मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। अगर यहाँ लोग पूछते हैं कि सर, जो क्लीनिंग वगैरह में काम करते हैं उनकी सैलरी क्या है, देखो यार, जो क्लीनिंग वगैरह में स्टूडेंट्स पे जो काम कर रहे हैं उसको $9-8 पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, और जो परमानेंट काम कर रहे हैं उसकी जो सैलरी $1500 के आसपास बनती है। तो आप हिसाब लगा लो। और हाँ यार, एक बात और फ़ायदा है, होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो खाना पीना रहना फ्री हो जाता है, लेकिन लंबे आवर्स का काम होता है थोड़ा। तो यार, पैसों में मेरे हिसाब से अगर आप दुबई वगैरह में भी काम करोगे तो आपकी सैलरी शायद 40,000-50,000 हो, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है वो 70-80 हज़ार तक आपकी पहुँच जाती है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और किसी के लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है, तो भाई 1 लाख तक भी पहुँच जाती है। मैंने यहाँ बहुत काम ऐसा देखा, अगर आप स्किल की भी बात करें, पेंटिंग की बात करें, जो यहाँ पेंटर्स हैं, मैंने यहाँ पर देखा कि जो पेंटिंग्स हैं उनकी जो सैलरी $1200 तक पहुँच जाती है, यानी 70-80 हज़ार। अब पता नहीं दुबई और मिडिल ईस्ट में क्या है, लेकिन एक टेक्नीशियन, अगर एक प्लम्बर की बात करें तो भी वो $1000 तक आराम से कमा लेता है, 55,000 के आसपास। और लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा यार, खाना पीना सब ठीक है। और यही था यार, सिंगापुर में पैसों की कमी नहीं है। अगर आप 10 साल काम कर लोगे तो कितना बना सकते हो मुझे कमेंट्स में करना, लेकिन मैं आपको कमेंट्स में, अगर आप 10 साल काम कर ले तो मेहनत वाला, मैं ऑफिस जॉब की बात नहीं कर रहा, अगर आप मेहनत से काम करो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, टेक्नीशियन इंडस्ट्री में हो, तो भाई करीब करीब आप यहाँ पर 10 साल में 1 करोड़ रुपया बचा सकते हो, भाई कमा सकते हो, बचाओगे आपके ऊपर है। और अगर आप चाहते हो मैंने कितना बचाया, मैं अगली वीडियो बना दूंगा, और VTL के ऊपर भी अपडेट आती रह रही है यार, और आती रहेंगी तो देता रहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और अब नॉर्मल लाइफ होती जा रही है, मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि हर कंट्री की जो इकोनॉमी स्टेबलाइज होती जा रही है, और जैसे कि सिंगापुर ओपन हो रहा है, नॉर्मल और भी कंट्रीज है इसी तरह से ओपन होती रहेंगी। आई होप सो यार, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, इसी तरह शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।